मालामाल होने के 10 कदम। हर शख्स चाहता है मालामाल होना, लेकिन क्या इसके लिए आपने कोई उपाय किया? नहीं तो अब भी कर सकते हैं। हम बताने जा रहे हैं मालामाल होने के 10 कदम। मां लक्ष्मी को खुश करने के 10 अचूक कदम। 2 मिनट में जाने ये 10 कदम। ठीक 7:02 पर। बिल्कुल, तो सभी यहाँ पर जानने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक हैं आचार्य जी। तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा अपना फॉर्मेट चेंज कर दिया जाए। राशियों के बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले आज वो 10 कदम जो हैं आप बताने वाले हैं, पहले उनकी शुरुआत करते हैं। जी हिमानी, बिल्कुल। तो हम लोग शुरू करते हैं पहले कदम से। देखिए, जो पहला कदम है वो सबसे पहले शुरू हो जाता है आपके आंख खोलने से। जब आप प्रातः स्नान ध्यान से पहले आप बिस्तर पर उठते हैं, आप नींद से उठते हैं, वहीं से आपके इस पहले कदम की शुरुआत हो जाती है। ऐसा नहीं है कि आप लक्ष्मी को प्रसन्न करेंगे जब आप स्नान ध्यान से निर्वृत्त होंगे, पूजा करके ही कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आपको अपनी दिनचर्या ऐसी बनानी पड़ेगी कि आपकी हर एक गतिविधि माँ लक्ष्मी को और शुभ ऊर्जा को आकर्षित करे। करना यह है कि जैसे ही आप आंख खोलते हैं, प्रातः उठते हैं, तो सबसे पहले अपनी हथेलियों को जरूर देखें और माँ लक्ष्मी से उनकी कृपा मांगते हुए अपनी हथेलियों को चूम लेना चाहिए। ऐसा शास्त्र का नियम है, इसके लिए हमारे यहाँ मंत्र भी है। उसके लिए समय कम है, जिसका अक्सर लोग जाप करते हैं, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्ये सरस्वती कर मूले स्थितो ब्रह्म प्रभाते कर दर्शनम। इस तरीके से मंत्र का जाप करके आप अपनी हथेलियों को चूम सकते हैं। दूसरा कदम यह है कि आप जब भी किसी विशेष कार्य पर या आप ऑफिस जाते हैं, ऑफिस जाने के समय आप जब घर से निकल रहे हो तो एक दाना केसर मुख में रख करके निकलना चाहिए। ऐसा करने से बृहस्पति की कृपा आपको मिलती है, और बृहस्पति क्योंकि विष्णु जी जो हैं लक्ष्मीपति हैं, उनकी कृपा मिलने से माँ लक्ष्मी की कृपा आपको बहुत सहज स्वरूप से मिलती है। और आज से ही यदि आप ये प्रयोग करते हैं आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और तीसरा कदम यह है कि कभी भी कर्ज अगर आपके ऊपर है तो कर्ज की पहले किस्त आप मंगलवार को देना ना शुरू करें, और कर्ज के लिए कोई भी बात आप मंगलवार से शुरू ना करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके ऊपर कर्ज निरंतर बना रहेगा, देने से भी ये कर्ज नहीं उतरेगा। कर्ज अगर आपने लिया है तो पहली किस्त यदि आप बुधवार को देंगे तो वो कर्ज बहुत आसानी से उतर जाएगा, और आपको कहीं ना कहीं से उस कर्ज को उतारने के लिए धन की व्यवस्था भी होती रहेगी। बिल्कुल, धन की व्यवस्था भी होती रहेगी। किस तरह से कर्ज उतारने के लिए, ये आचार्य जी ने यहाँ पर आपको बताया। तो अभी रेडी रखिए, अभी सिर्फ 3 कदम हुए हैं, अभी 10 कदम है, यानी कि अभी 7 कदम और बाकी हैं। लेकिन राशि वाले जो हैं वो भी इंतजार कर रहे हैं, उन्हें ऑफिस जाना है, वो सोचे कि जल्दी से आपकी किस्मत में बस जान ले कि उनकी राशि आज क्या कह रही है। तो मेष और वृषभ राशि के सितारों के बारे में जान लेते हैं कि आज के दिन क्या कहेंगे। जी हिमानी, मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में रोजी रोजगार की दिशा में सफलता मिलने की स्थिति है, व्यवसायिक योजना सफल हो सकती है। आज के दिन हनुमान आराधना करना, विशेषकर बजरंग बाण का पाठ करना आपको लाभ देगा। बड़े बुजुर्गों की सेवा करें, उनका दिल ना दुखाएं। वहीं वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए रुके हुए कार्य संपादित होने का दिन दिखाई देता है। आज के दिन आपको भगवान शिव की आराधना कर लेना और भगवान श्री गणेश की आराधना करना, गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करना आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। किसी की निंदा में ना पड़े, अपने कार्य से कार्य रखिए। बिल्कुल, तो अपने काम से मतलब रखिए, बाकी कुछ करने की यहाँ पर ज्यादा कुछ जरूरत है नहीं। चौथे कदम की तरफ हम बढ़ते हैं। चौथा कदम क्या यहाँ पर कह रहा है, चौथा पांचवा छठा सभी जान लेते हैं यहाँ पर धीरे धीरे। आचार्य जी, जी हिमानी, चौथा कदम बड़ा ही महत्वपूर्ण कदम है। आपके आसपास कहीं भी यदि लक्ष्मी मंदिर हो या अन्नपूर्णा मंदिर हो तो आपको वहां जाना चाहिए। विशेष अवसरों पे अन्नपूर्णा मंदिर में और लक्ष्मी मंदिर में माँ को भोग लगा करके, माँ को भेंट लगा करके सारे भक्तों के बीच में अक्षत बांटे जाते हैं। ये बहुत विशेष अवसर होता है, और यदि आपको जिस भी भक्त को, जिस भी श्रद्धालु को वो अक्षत मिल जाए, अर्थात भोग लगे हुए कच्चे चावल मिल जाए, तो उन्हें बहुत ही शुभ माना जाता है। आप उन्हें लाल वस्त्र में या पीले वस्त्र में लपेट करके अपने धन स्थान में यदि रखते हैं तो आपके घर में अन्न और धन का भंडार कभी भी खाली नहीं होता। माँ लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा की कृपा निरंतर बनी रहती है। वहीं पांचवा सूत्र यह है कि मूंग की दाल खाना और दान करना आर्थिक स्थिति को और मजबूत करता है, और विशेषकर यदि आप ये प्रयोग मूंग की दाल को खाने का, स्वयं ग्रहण करने का और दान करने का प्रयोग बुधवार को करते हैं तो उसकी शुभता में और वृद्धि होती है। सप्ताह में एक दिन आपको अपने किसी भी कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए, आप किसी भी जॉब में हो, आप अपना बिजनेस करते हो, अपना व्यापार है, अपनी फैक्ट्री है, या आप किसी ऑफिस में है, सरकारी नौकरी, प्राइवेट जॉब,
किसी भी अपने कर्मचारी को, अपने से अधीनस्थ कर्मचारी को भरपेट भोजन सप्ताह में एक दिन कराना, विशेषकर शनिवार के दिन कराना बहुत अच्छा लाभ देता है। बिल्कुल, तो देखिए 6 यहाँ पर कदम आप जान चुके हैं और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, कहते हैं ना कि स्टेप बाय स्टेप अगर आप जा रहे हैं तो मुंह की आपको नहीं खानी पड़ती है। तो ये देखिए कि किस तरह से आपको यहाँ पर आचार्य जी बता रहे हैं किस तरह से आप हो सकते हैं मालामाल। आइए यहाँ पर जान लेते हैं मिथुन और कर्क राशि के जातकों के लिए आज कितना खास दिन होने वाला है और ये कितने मालामाल होने वाले हैं। जी बिल्कुल, मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आर्थिक प्रयास फलीभूत होने वाले हैं। समाज में मान सम्मान, धन यश कीर्ति में वृद्धि होने वाली है। आज के दिन यदि आप मंगल चंद्र का स्त्रोत का पाठ करते हैं तो किसी भी प्रकार का अनिष्ट आपको छू नहीं सकता। आज के दिन आपको ध्यान ये देना है कि किसी को बहुत ज्यादा रुपए पैसे उधार न दें। वहीं कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में आशातीत सफलता मिल सकती है, तो विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत शुभ होने वाला है। दुर्गा चालीसा का पाठ यदि करते हैं कोई भी व्यक्ति, व्यापारी हो या विद्यार्थी वर्ग हो, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। घर आए व्यक्ति को खाली हाथ न जाने दें, किसी का अनादर न करें। बिल्कुल, तो यहाँ पर बात हो गई है मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के जातकों की, तो आचार्य जी से जरा मैं यहाँ पर परमिशन ले लेती हूँ। आचार्य जी, मन है कुछ और कदम बताने का या चाहते हैं कि अभी थोड़ा सा रुक के? एक कदम और बता दिया। चलिए बता देते हैं, एक कदम और आगे बढ़ते हैं। सातवां कदम आपकी खुशहाली के लिए, आपकी समृद्धि के लिए करना यह है कि हल्दी की एक खड़ी गांठ ले लें और उसको भगवान विष्णु के चरणों में, मां लक्ष्मी के चरणों में स्पर्श करा करके या अर्पित करके अपने कार्य क्षेत्र में, अपने वर्क टेबल पे, फिर से समझ लीजिए, अपने कार्य क्षेत्र में, अपने ऑफिस में, अपने वर्क टेबल पे एक पीले कपड़े में बांध करके आप रख दीजिए। किसी भी प्रकार की आर्थिक समस्या हो, कितनी भी विषम परिस्थितियां हो, सारे कष्ट दूर होंगे, आपकी आर्थिक समृद्धि बनी रहेगी। बिल्कुल, तो मेरे ख्याल से सातवां कदम तो यहाँ पर आचार्य जी ने बता दिया है। कुछ कंसेशन मैं भी आप लोगों को दे देती हूँ, तो मैं ये चाहती हूँ कि आचार्य जी आप आगे बढ़ते ही जाइए और कदम बता ही दीजिए। जी बिल्कुल, ये जो कदम बढ़ रहा है आपकी सफलता की तरफ, इसे कहीं रोकना नहीं चाहिए। देखिए आठवां कदम, आठवां जो आज का सूत्र है वो बहुत महत्वपूर्ण है आपकी समृद्धि के लिए। ऋणहर्ता गणपति स्त्रोत, फिर से समझ लीजिए, ऋणहर्ता गणपति स्त्रोत अथवा ऋणमोचक मंगल स्त्रोत। यदि कर्ज रहेगा तो आप आर्थिक समृद्ध नहीं हो सकते, तो आपको सबसे पहले कर्ज मुक्त होना पड़ेगा। तो उसके लिए ऋणहर्ता गणपति स्त्रोत या ऋणमोचक मंगल स्त्रोत का पाठ करना, दोनों बहुत छोटे छोटे स्त्रोत हैं। अगर आप इनका नियमित पाठ करते रहते हैं, तीन पाठ आप नियमित करते हैं, कम से कम 90 दिन का अनुष्ठान करते हैं, कितना भी बड़ा आपके ऊपर कर्ज हो, कितनी भी विषम आपकी आर्थिक परिस्थिति हो, हर चीज से मुक्ति मिलती है, आर्थिक पक्ष मजबूत हो जाता है। बिल्कुल, तो ये तो बात हुई आठवें कदम की, लेकिन नौवां कदम क्या कहता है? यहाँ पर मुझे आचार्य जी कुछ बता रहे थे प्रोग्राम से पहले कि घर में अगर आप कुछ दीपक जलाने की बात कर रहे थे, क्या है जरा हमारे दर्शकों को? हिमानी, ये बड़ा अच्छा प्रयोग माना जाता है, घर में देसी घी का दीपक जलाना, ये नौवां कदम बहुत बड़ा, एक आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। और ये एक ऐसा प्रयोग है कि कोई भी व्यक्ति कर सकता है, घर में देसी घी का दीपक जलाना और कुछ ऐसे स्थान पर देसी घी खुले पात्र में रखना, क्योंकि मां लक्ष्मी को देसी घी की जो गंध है, जो सुगंध है, वो आकर्षित करती है। तो यदि आप अपने पूजा स्थान में थोड़ा सा देसी घी खुला भी रखते हैं तो मां लक्ष्मी आपके परिवार की तरफ आकर्षित होती है। और यदि मां लक्ष्मी एक बार आकर्षित हो जाए तो उनको स्थिर करने के भी दूसरे उपाय मैं आपको अगले कदम में बताने वाला हूं। तो आपको पहला कदम आज से शुरू करना है कि संध्याकालीन समय में मां लक्ष्मी को देसी घी का एक दीपक अर्पित करें, थोड़ा सा देसी घी खुला घर में रखिए, बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। बिल्कुल, तो ये है 10 कदम, या फिर आप कह सकते हैं 10 कदम जो आपको आचार्य जी यहाँ पर बता रहे हैं। 9 कदम आप जान चुके हैं, एक कदम अब भी बाकी है, थोड़ा सा सब्र रखिए, आपको पूरे 10 कदम यहाँ पर आप यहाँ पर अच्छे से जान जाएंगे। लेकिन जो सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के जातक है वो भी आचार्य जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, वो भी ये चाह रहे हैं कि कब उनकी राशि आए। तो सिंह राशि वाली जो है उनके लिए आज आप क्या कहेंगे? देखिए सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आज का दिन बहुत शुभ है, आपको आज के दिन उपहार या सम्मान मिल सकता है, अपने परिवार से आपको कुछ सरप्राइज गिफ्ट मिल सकता है, तो आज के दिन आपको सरप्राइज पैकेज के लिए तैयार रहना चाहिए। आज के दिन यदि आप श्री सूक्त का पाठ करते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है, और आज के दिन निर्णय लेने में बहुत जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। वहीं अगली राशि कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में धन पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होने वाली है, स्वास्थ्य के प्रति आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। मां लक्ष्मी को 100 ग्राम मिश्री अगर आप एक सफेद रुमाल पर या सफेद वस्त्र पर, साफ नई रुमाल पर भोग लगा करके बच्चों में वितरित कर देते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। कार्य क्षेत्र में पार्टनर से जो भी झगड़े की स्थिति बनती है वो आपकी सूझबूझ से और इस उपाय से मां लक्ष्मी की आराधना से तत्काल दूर हो जाएगी। बिल्कुल, तो सिंह और कन्या राशि के जातकों को आज के दिन क्या करना चाहिए और क्या एहतियात बरतनी चाहिए ये आपने जान ली। लेकिन मुझे पता है कि अब पंडित जी भी यहाँ पर बार बार इशारा मुझे कर रहे हैं कि अब 10 कदम की ओर बढ़ना चाहिए, तो आचार्य जी 10वां कदम जो है हम उस ओर बढ़ गए, बस बताना आपको है। देखिए ये 10वां कदम बहुत महत्वपूर्ण कदम है, मैंने आपको बताया 9वें कदम में कि आप अपने घर में मां लक्ष्मी को कैसे आकृष्ट करें,
अब माँ लक्ष्मी को स्थिर करने का, अपने घर में रोक के रखने का ये जो उपाय है बहुत महत्वपूर्ण है। आपको करना यह है कि नियमित तौर पे आप अपने घर में श्री सूक्त और कनक धारा स्त्रोत का पाठ करें, ये बहुत ही चमत्कारी है। अगर आप श्री सूक्त और कनक धारा स्त्रोत का पाठ करते हैं आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। या फिर माँ लक्ष्मी का कुछ ऐसा मंत्र है, कुछ ऐसे प्रयोग है जिनको करना चाहिए, कमल गट्टे की माला पे यदि आप करते हैं या स्फटिक की माला पे इन मंत्रों का जाप करते हैं आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। पहला मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ, ओम ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद। एक बार पुनः सुन लीजिए, ओम ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद। इस मंत्र का यदि आप नियमित 108 बार जाप करते हैं तो आपको माँ लक्ष्मी की कृपा निश्चित मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। मेरा दावा है अगर आपने ये प्रयोग किया है आप इसका फल निश्चित पाएंगे। तो ये जो 10 उपाय थे आज से ही हर एक व्यक्ति को शुरू करना चाहिए। आप किसी भी राशि के जातक हो, आपकी आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, कोई भी समस्या हो, कितनी भी विषम परिस्थिति हो, इन उपाय को पूरी श्रद्धा और विश्वास से करिए। इस 10 उपाय को करने के बाद आपके घर में आर्थिक खुशहाली समृद्धि निश्चित आनी। बिल्कुल, और आचार्य जी के साथ साथ मैं भी यहाँ पर दावा कर रही हूँ, नहीं मैं दावा इस चीज का कर रही हूँ कि आचार्य जी से फिर से पूछूंगी ये 10 पॉइंट्स और फिर फटाफट से जाके करूंगी जैसे ही बुलेटिन से फ्री होती हूँ। लेकिन यहाँ पर बात कर लेते हैं तुला और वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कि आज के दिन क्या उन्हें करना चाहिए और कुछ ऐसी चीजें भी हैं अगर शत्रु उनको परेशान कर रहे हैं तो कैसे उन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। जी बिल्कुल, तुला राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में अपने सहयोगियों, जीवन साथी और परिवार की तरफ से पूरा पूरा सहयोग और सानिध्य मिलने वाला है। वाहन प्रयोग में बहुत ज्यादा सावधानी रखनी चाहिए। ओम दारिद्र दुख दहनाय नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप कर लेना, और यदि कोई शत्रु बाधा है तो भगवान शिव पर कच्चा दूध चढ़ाना आपको आज के दिन बहुत अच्छा लाभ देने वाला है। वहीं वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए व्यापार में लाभ की स्थिति होने वाली है, सोचे हुए कार्य बनेंगे, चिंता दूर होगी। आज के दिन कनक धारा स्त्रोत का पाठ कर लेना आपको निश्चित बहुत बड़ी सफलता दे सकता है। किसी भी वाद विवाद से आपको स्वयं को बचा करके रखना है आज। बिल्कुल, तो आपकी किस्मत का ये सफर जारी है, कुछ सवाल के जवाब भी हो सकते हैं यहाँ पर, लेकिन फिलहाल हमें यहाँ पर रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, आप देख रहे हैं आपकी किस्मत। और आइए अब जल्दी से आचार्य जी से जान लेते हैं धनु मकर कुंभ और मीन राशि के जातकों के बारे में। जी बिल्कुल, धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आप अपने परिवार और संतान के दायित्व की पूर्ति भली भांति तरीके से कर सकते हैं। बेरोजगार व्यक्तियों को, नवयुवकों को रोजगार मिलने के योग दिखाई देते हैं। यदि आप पुरुष सूक्त का पाठ करें तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आज के दिन आपको बहुत सोच समझ करके काम करना है। घर में कोई भी जंग लगा हुआ धातु का सामान ना तो रखें ना उसका प्रयोग करें। वहीं हम लोग चर्चा करते हैं मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए कार्य क्षेत्र में उथल पुथल और स्थानांतरण व विभागीय परिवर्तन की स्थिति संभावना दिखाई देती है। व्यापार में पारदर्शिता रखना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। काले वस्त्र के प्रयोग से आज बचने का प्रयास करना है। वहीं कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए रुपए पैसे के लेन देन में बहुत ही सावधान रहें। धन कहीं फंस सकता है, रुक सकता है या अटक सकता है। आर्थिक क्षय की स्थिति दिखाई देती है। भगवान शिव की आराधना कर लेना। भगवान शिव का कहना है कि यदि किसी जातक को मुझसे धन की आकांक्षा है, आपको धन की लालसा है, तो भगवान शिव पर मीठा अर्पित करिए। तो आप यदि शहद से उनका अभिषेक करते हैं या गन्ने का रस अर्पित करते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आत्मविश्वास में कमी ना होने दें। वहीं अगली राशि मीन राशि। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में स्वास्थ्य समस्या, विशेषकर उदर विकार की संभावना है, और उसके साथ साथ कुछ वाहन दुर्घटना के भी योग दिखाई देते हैं। तो आज के दिन आप वाहन प्रयोग में सावधानी रखेंगे तो लाभ मिलेगा। धनदा स्त्रोत का पाठ करना आपके लिए बहुत उत्तम हो सकता है। आज की दिनचर्या में मांसाहार के सेवन में आपको बहुत ज्यादा सावधानी रखनी है। मांसाहार से पूरी तरीके से परहेज करें। चलिए, तो ये तो बात हुई राशि फल की और साथ ही साथ वो 10 कदम जो आज आपने जाने और आपके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसी के साथ आज के लिए मुझे और आचार्य जी को यहीं पर ही विराम यहाँ पर देना होगा कार्यक्रम को, और आप सभी से विदा लेनी होगी। तो फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।